सीएम योगी आदित्यनाथ आज इटावा के सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। सीएम आगरा में कार्यक्रम के बाद सैफई हवाई पट्टी पर हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे, जहां वे स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन के बाद सैफई के ऑडिटोरियम में हॉस्पिटल स्टाफ को संबोधित करेंगे। इधर सीएम के दौरे को लेकर जिले के अधिकारियों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। तो एक खबर बता रहा है आपको लखनऊ से, बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश वासियों को तरह तरह की सौगातें दे रहे हैं, सौगातों का पिटारा उत्तर प्रदेश वासियों के लिए खोल रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन यहां पहुंचकर वे करेंगे, ऑडिटोरियम में हॉस्पिटल स्टाफ को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसी के साथ बता दें सीएम के दौरे को लेकर पुख्ता सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सुरक्षा के कड़े पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और दौरे को लेकर ये इंतजाम है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। अब इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता घनश्याम मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। घनश्याम, अब देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेशवासियों के लिए सौगात का बड़ा पिटारा खोलने जा रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे, क्या पूरी जानकारी? बिल्कुल टिसा, और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। इससे भी बड़ा महत्वपूर्ण जवाब ये है कि वो सैफई में करेंगे, अखिलेश मुलायम के गढ़ में करेंगे। और आज ये वहां पे पहुंच करके 500 बेड हॉस्पिटल जो पिछले 7-8 साल से बंद था उसको आज शुरुआत की जाएगी। ये इसकी शुरुआत जो है 2014 में सपा शासन काल के दौरान हुआ था, जब यहाँ पे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब इसको पास किया गया था, स्वास्थ्य विभाग ने इसे पास किया था। राज्य स्तर की एक एम्स का इसकी शुरुआत थी, लेकिन 333 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस हॉस्पिटल का रकम धीरे धीरे बढ़ता गया, जिसके बाद से जब योगी सरकार आई तो इस पे जांच बैठा दी। जांच बैठाने के बाद वहां पे विकास कार्य को रोक दिया गया, यानी जितना भी बन करके तैयार था उसी पे हुबहू रोकना पड़ा। तो मैं कुछ डेटा देना चाहूंगा टीसा, और 2014 में जब इसको पास किया गया था सपा शासन काल में, तो 333.56 करोड़ रुपए इसकी लागत थी। उसके बाद 2016 में इसको बढ़ा दिया गया, 2017 में योगी सरकार आई थी, 2016 में अंतिम साल था अखिलेश यादव के उस शासन काल का। मेरे साथ इटावा से संवाददाता आशुतोष भी जुड़े हुए हैं इसी पर चर्चा करने के लिए। आशुतोष, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे, यहां पर क्या इंतजाम आप देख सकते हैं, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर क्या कुछ तैयारियां हैं? जिस तरीके से अगर यहाँ के इंतजामात की बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार मुस्तैदी के साथ यहाँ पर लगा हुआ है, और जिस तरीके से इटावा एसएसपी के द्वारा यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई है पुलिस प्रशासन, में तस्वीरों में देखना चाहूंगा, मैं कैमरामैन से बोलना चाहूंगा, जिस तरीके से यहाँ पर प्रशासन लगा हुआ है और इटावा एसएसपी संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में सभी थानों की पुलिस यहाँ पर और सभी सीओज और सभी अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरीके से अगर सुरक्षा की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था देखने को मिल रही है, और कुछ ही देर में यहाँ पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आने वाले हैं, और लगभग 11:30 का समय है। और यहाँ पर जो पीछे आप तस्वीरों में देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई है, 500 बेड के अस्पताल जो की कई दिनों से बंद था उसको यहाँ पर उद्घाटन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो हॉस्पिटल स्टाफ है उसके साथ वार्तालाप भी करेंगे। जी मैम, चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, अब देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।